हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीनम व्लॉगर। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पास में बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए मुझे इसमें वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये होली से अगले दिन का व्लॉग है मेरा। मैं थोड़ा एक दिन लेट जो है पोस्ट कर रही हूँ इस व्लॉग को। तो यहाँ पर मम्मी और पीहू के पापा जो है खाने की तैयारी में लग गए, यानी कि प्याज लहसुन को यहाँ पर छील रहे हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने नाश्ता कर लिया है। और ये रहा मेरा नाश्ता। हमने नाश्ते बनाए थे पकोड़ी और चाय और हरे धनिए की चटनी। मैं अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद में हम लोग लग जाएंगे खाना बनाने में। और आपको पता है, होली के दिन जितनी जल्दी किचन का काम ख़त्म हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, वरना बाहर से कोई भी आपको रंग लगाने के लिए आ सकता है। तो मेरा चिकन बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए पीहू के पापा ने चिकन बनाया और हमने बनाया था पनीर अपने खाने। तो फ्रेंड्स, आज के खाने में हम लोग बना रहे हैं चिकन और पनीर। तो आज चिकन मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, दिखाइए जरा अपना फेस। क्योंकि ये चिकन की आज इन्हें क्रेविंग हो रही थी। तो चिकन की ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और आप इसमें ये ऐड कर देंगे चिकन को। मैं चिकन की रेसिपी काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको नहीं मिली है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो यहाँ पर अब हम इस चिकन को 10 मिनट के लिए इसमें हम भून लेंगे। और यहाँ पे पीहू लेकर आ गई थी कलर अपने पापा को लगाने के लिए। तो पहले वो अपने पापा के रंग नहीं लगा रही थी, बस थोड़ा सा ले रही थी और थोड़ा सा लगा रही थी। तो फिर उसके पापा ने उसको बताया कि ऐसे कलर लगाते हैं, फिर उसने लगाया उनके बहुत सारा। फिर उसके बाबा जी आ गए थे, तो फिर वो उन्हें कलर लगा रही थी और सबको वो विश कर रही थी। काफ़ी खुश थी पीहू पीहू कलर के साथ खेल के। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में दही वड़े बनाने के लिए। दाल तो पीस ली थी, दाल के अंदर मैंने ना अदरक और हरी मिर्ची को पीस लिया था, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे मैं फैट रही हूँ। और आपको एक ही डायरेक्शन में इसको फैटना है बहुत अच्छे तरीके से, जब तक कि इसके अच्छे से ये बबल्स ना बन जाए। और इसे फैटने के बाद ना इसका एक टेस्ट होता है करने के लिए। एक कटोरी में मैंने पानी लिया और उसमें मैंने इसे डाल के देख लिया, तो पानी में तिर रहा था। तो इस मेरा बैटर यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे, और उसमें मैंने डाल दिया बहुत सारा रिफाइंड। और अब मैं इसमें तल लूँगी अपने वड़े। तो यहाँ पर मेरा बैटर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी वड़े, वो भी मीडियम साइज़ के। आप चाहो तो बड़े डाल सकते हो, आप चाहो तो मीडियम डाल सकते हो। तो मैंने बिल्कुल पकौड़ी के साइज़ के लिए है, और मैं इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ देख सकते हो कि मेरे वड़े जो है बिल्कुल रिफाइंड पे ही तैर रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पे वड़े बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पे तैयार हो गया चुका था मट्ठा। तो मट्ठे के अंदर हम बूंदी, बेसन की पकौड़ी और दाल की पकौड़ी ऐड कर दी थी, उसमें थोड़े से नॉर्मल मसाले ऐड कर दिए थे। अब है तड़के की बारी। थोड़ा सा रिफाइंड लिया है, इसमें ज़ीरा और धनिया डाल दिया, और साबुत मिर्ची, और हींग नहीं था मेरे पास तो हींग नहीं डाला, और उसमें लगा दिया है एक अच्छा सा तड़का। मट्ठा बन गया हमारा, तैयार हो चुका है, जो बहुत ही अच्छा। और उसके बारी थी होली खेलने की। तो मैंने बहुत जम के होली खेली, इस बार मुझे सबसे ज़्यादा गुलाल लगे हैं फ्रेंड्स। मैंने कभी भी होली इतनी जम के नहीं खेली है, और बहुत ज़्यादा मस्ती करी है। तो यहाँ पर मैं सबको रंग लगा रही हूँ और सबसे आशीर्वाद ले रही हूँ। और फिर उसके बाद मम्मी जा रही थी, तो मैंने बोला मम्मी पहले मैं आपको रंग लगा देती हूँ, क्योंकि मम्मी चेयर लेने के लिए जा रही थी। मैंने सबको रंग लगाया और बहुत सारी मस्ती करी। रंगों का त्यौहार है, और घर पे गुलाल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरे फर्श पे गुलाल ही गुलाल यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पर नाश्ता लग चुका है,
तो यहाँ पे मतलब सबके साथ कलर खेला है, लेकिन पीहू के पापा के साथ ना जब रंग खेला तब मुझे कैमरा उठाने का मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मतलब मोबाइल उठाने का। तो यहाँ पे मैं नहा धो के कमरे में आ चुकी हूँ और यहाँ पे पीहू बता रही है कि मैंने कैसे होली खेली है। और यहाँ पे इसके पापा नहा धो के लेट चुके हैं, खाना वाना उन्होंने खा लिया था तो वो रेस्ट कर रहे हैं अब। और उसके बाद मैं भी अब खाना खा लूँगी और थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, बहुत थक गए हैं क्योंकि फर्श वगैरह धोने में बहुत टाइम लग गया था। गाइस तो हमने खाने में बनाया था पनीर और वो जो मट्ठा छौंका था ना वो लेके आई थी, और मैं धनिया की चटनी लेके आई थी। और पनीर ना बहुत टेस्टी बना था खाने में, मुझे तो मज़ा आ गया और मैं काफ़ी इन्जॉय करके खाना खा रही थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं 3 बजे खाना खा रही हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद, और पीहू ना बहुत परेशान कर रही थी। और उसके बाद जो बड़े मॉर्निंग में बनाए थे ना हमने ना किसी को नहीं दिए, वो हमने शाम में खाए थे तो उनकी फ्रेंड आए थे, तो यहाँ पर मैं उनके लिए वड़े तैयार कर रही हूँ। तो मैंने दही इसमें डाल दिया है और थोड़ी सी चटनी हरी और इमली की चटनी और थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के हमारे दही वड़े बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारी बड़े की प्लेट बनके तैयार हो चुकी है, तो यहाँ पर उनके फ्रेंड आए थे, उनको काफ़ी पसंद आए। अगर आपको मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।